स्वागत करता हूँ सुनील सर, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 11 का, आज वीडियो नंबर 4 इसका शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईथर का विरचन। ईथर वही जो बीच में आपका ओ आता है, इसी को ईथर कहते हैं। ये अलग अलग एल्किल हो सकते हैं। आज हम लोग यही बनाने की इसी यही टारगेट आपका रहेगा, ईथर कैसे बनाते हैं। तो चलिए, जिसमें पहला आपका दिखाया है एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा, एल्कोहलों के निर्जलन द्वारा। देखिए कैसे बनाएंगे आप इसमें एल्कोहलों के निर्जलन का मतलब होता है कि इसमें से आपको जो होगा जल को बाहर निकाल देना। तो देखिए कितना सिंपल है, आप यहाँ पर क्या ले लिए, CH3CH2H, ये इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल, हाइड्रोजन धनायन से क्रिया, तो CH3CH2H2। फिर आप C2H5OH लिए, CH3CH2 और OH2 है क्रिया करेगा, तो C2H5OH C2H5+H2। फिर आपके जो है C2H5OH C2H5 क्रिया होगा, तो C2H5 और O C2H5 आपका निर्माण यहाँ पर H रहेगा, और इस तरीके से आपका ये बन गया। दूसरा जो आपका रिएक्शन आता है उसका नाम होता है विलयंसन संश्लेषण, विलयंसन संश्लेषण से। तो कह सकते हैं कि इसमें एक धातु एलेक्साइड का प्राथमिक एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया की जाती है। धातु एलेक्साइड को एल्कोहल में सोडियम या पोटेशियम धातु अथवा सोडियम मिलाकर प्राप्त किया जाता है। देखिए प्राप्त ये एल्कोहल है ना, R OH सोडियम के साथ क्रिया कराए तो RONA बना प्लस आप H2O बाहर। फिर आप ROH NaH के साथ क्रिया कराए तो RA पर माइनस NA प्लस H2O, फिर RO पर माइनस NA प्लस। ठीक, अब शॉर्टकट में आप यहाँ पर देखिए प्रोपेनॉल 2-1 ले लीजिए, सोडियम हाइड्राइड ले लीजिए यहाँ पर, देखिए तो क्रिया कराएंगे तो आपका सोडियम प्रोपॉक्साइड बनेगा। फिर आपका जो होगा ये CH3CH2O CH2CH3, जिसका नाम होगा डाई एथिल ईथर का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं जो ईथर आप पढ़ रहे थे उसके कुछ गुण होते हैं ना। तो पहला आपका होता है कि ईथर से CO आबंध ध्रुवीय होता है, जो ईथर से अधिक कीटोन समूह जो होता है वह होता है, इसको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, सेकेंड में आप कह सकते हैं कि अल्प ध्रुवता उनके क्वथनांकों के बहुत अधिक प्रभावित नहीं करते हैं, इनके क्वथनांक एल्कोहलों के क्वथनांकों से कम होते हैं। आप जरूर याद रखेंगे कि जो ईथर होता है, ईथर का क्वथनांक जो होता है वह एल्कोहलों के क्वथनांक से कम होता है। याद करो क्वथनांक किसे कहते हैं, वह निश्चित ताप जिस पर जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह तेजी से गर्म करते हैं तो गैस में बदल जाता है, तो वही होता है आपका। आगे है कि ईथर की जल में मिश्रता समान आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों से समान सदृश होती है, यानी जिस तरीके से एल्कोहल को जल में घुलनशीलता होती है उसी तरीके से ईथर का भी होता है। चलिए अब एक और हम लोग रिएक्शन देखते हैं जिसका नाम होता है रासायनिक अभिक्रिया। कह सकते हैं ना कि पहला होता है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो देखिए ईथर है ना, RO है, C है, और फिर इसके साथ H जोड़ सकते हैं आप, और प्लस ऑक्सीजन है तो ROCOOH, यानी इसका मतलब होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। उसके बाद से अम्लों के साथ अभिक्रिया, देखिए यह CH3O CH3HBr के साथ क्रिया, तो CH3O CH3Br का निर्माण हो जाता है। अम्लीय विदलन भी देख लेते हैं। प्रबल अम्लों जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड या सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ गर्म करने पर डाई एल्किल ईथरों का विदलन हो जाता है, टूट जाता है CH3CH2O CH2CH3+HBr, तो CH3CH2Br ब्रोमो एथेन और CH3CH2 एथेनॉल का निर्माण हो जाता है। इस तरीके से आप इसको बता सकते हैं। देखिए हम लोगों ने एक बार फिर आपको बता दें कि इस चैप्टर में जो पढ़े तीन चीज़ें पढ़े, एक तो एल्कोहल पढ़े CH3OH यानी OH जिसमें आएगा एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। IPAC जब भी लिखेंगे तो आपको मैं बता दूं एल्कोहल में के OL हटा करके E को हटा करो मेथनॉल। उसके बाद से एक फिनाल पढ़े, एकदम आराम से आप देखिएगा बेंजीन बना करके इसके साथ कहीं भी OH जोड़ देंगे, इसको आर्थो कहते हैं, इसको मेटा कहते हैं, इसको पैरा कहते हैं। उसके बाद से आपने एक जो पढ़ा ईथर, तो जो हम लोगों ने ईथर पढ़ा उसमें R O
आर सममित पढ़ा, सममित इथर आप जरूर याद रखेंगे, सी एस थ्री ओ सी एस थ्री, ये सममित इथर है। और अगर आपको कहीं सी एच थ्री और ओ और अगर सी एच टू सी एच थ्री इस तरीके से अलग अलग दिखाई दे तो उसको हम लोग कहते हैं असममित इथर। इस तरीके से ये वीडियो नंबर चार भी समाप्त होता है। वीडियो नंबर पाँच से हम लोग पाठनिहित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।